श्री राजपूत कन्या सेना मूल ने भरी हुंकार, आरक्षण को खत्म करो या फिर संविधान में करो संशोधन, समान वर्ग की सीटों पर सिर्फ समान वर्ग ही लड़े चुनाव। नानकखेड़ा स्टेडियम से दशहरा मैदान तक निकाली महारैली, दशहरा मैदान पर हुई आम सभा, हजारों की संख्या में जुटे समाजजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा सुधर जाइए वरना कांग्रेस जैसा हाल होगा। उज्जैन की नानकखेड़ा स्टेडियम से दशहरा मैदान तक कर्णी सेना ने रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। यहां उज्जैन व इंदौर संभाग से कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश के कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। यहां मुख्य तौर पर कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर शिवपाल सिंह चौहान रैली की अगुवानी कर रहे थे। नानकखेड़ा से शुरू हुई रैली टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। यहां रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। यहां सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने कहा कि कर्णी सेना प्रदेश में असमक्ष विद्यार्थियों को शिक्षित करने में मदद करेगी, साथ ही बालिकाओं के विवाह का खर्च भी उठाया जाएगा। रैली में शामिल होने पहुंची कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने पत्रकारों से चर्चा की और केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाइए, हम लोगों की वजह से आप हैं। सरकार की रीढ़ की हड्डी स्वर्ण समाज है, यदि हड्डी खिसक गई तो आपके हाथ पांव आग कहीं नहीं रुकेंगे, आपकी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। काल की धरती पर पहली बार एक जो छोटा से अणु के रूप में श्री राजपूत कर्णी सेना है, उसके संगठन को अणु बम का रूप देते हुए आज मातेश्री के आशीर्वाद से चित्तौड़ में पद्मावत वाले मामले के बाद में उज्जैन की धरती पर पहली बार। मांग कुछ भी नहीं है हमारी, अधिकार है हमारा। अधिकार मांगे से मिलते नहीं है, अधिकार हम छीन लेते हैं। पिछली बार जब ये बात चली थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से हमारा बैर नहीं, राजस्थान में हमने करके दिखाया, मालवा में भी ये महसूस कराया। आज ये उज्जैन है, चुनाव है नहीं। हम न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के खिलाफ, हम न पक्ष है न विपक्ष, निष्पक्ष है। और हम ये चाहेंगे समाज को समझो, इस राजपूत के समाज को अगर नहीं समझोगे तो हमें समझाना आता है। और जब हम समझाने पर उतरते हैं, देख लीजिए, एक संभाग की मीटिंग है, और आर्थिक आदाय प्राप्त के लिए हम लोग करते हुए और खूब सारी हमारी मांग है, जैसे जनरल की सीट पे जनरल को, जनरल के अलावा सभी को लगाया जाता है, कुछ ऐसी खूब सारी हमारी मांगे थी जिसपे हम लोग करते हुए यहाँ से बिल्कुल बजाय पूरे देश के लिए कि हम लोग इसके लिए, हम किसी जाति के हम लोग खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि